अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो एक नए दिन के साथ नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, एंड जितनी हो शेयर करें। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने जो है अबाया पहना हुआ है, मतलब बहुत ही चेंज है। सो मेरा ये न्यू अबाया है। एंड इसके अलावा ये था कि अभी हम लोग बाहर जा रहे थे, हस्बैंड ने कहा कि ना हम लोग बाहर चलते हैं, कुछ काम भी था उसकी वजह से तो भी। अभी जैसे हम लोग एंड रेडी हो मैं सके इस तरह उसके से बाद कुछ जो रेडी है हुई सिस्टम हूँ। इस तरह से एंड रेडी हुई है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। एंड शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस। सो इसी तरह से हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर, फिर मैं बाहर जाके आप लोग के साथ जो भी होगा शेयर करती हूँ। तो जी अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और जो है बस नीचे जमल और जमल के बाबा दोनों वेट कर रहे थे, इसीलिए तो फिर जो है हम लोग भी नीचे जा रहे हैं। अच्छा अभी जो है चलते हैं बाहर, देखते हैं कहाँ हम जा रहे हैं। तो जी अभी हम लोग जो हैं आ चुके हैं रिसेंटली कॉफ़ी जो है पीने के लिए। शाम का टाइम था, दिन का मतलब सर्दी भी हो रही थी इसीलिए। तो फिर जो है ना हस्बैंड को ऑफिस का कुछ काम था, अच्छा ये हस्बैंड और की जो जहाँ है ऑफिस है तो वहीं पे उसके बैक साइड पे एक मतलब कैफ़े है। सो हमने सोचा कैफ़े पे बैठ जाते हैं, और जो है मेरा मूड भी हो रहा था, काफ़ी टाइम के बाद मैंने कॉफ़ी जो है ना वो पीना चाह रही थी इसीलिए। वैसे तो कराची का मौसम बहुत ही अच्छा है, इतनी अब सर्दी नहीं है जितनी पहले थी। एंड इसके अलावा ये था कि यहाँ पे हमने कहा वेट भी कर लेते हैं जब तक। अच्छा जमल जो है ना वो बाबा के साथ ही गई है और यहाँ पर मैं बैठी हूँ। अच्छा मेरा बैग देखे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे यहाँ पर इसीलिए। और इसके अलावा ये था, तो फिर मैंने कहा चलो जब तक कॉफ़ी आ जाती है तो सिस्टर डे अपने लिए कुछ शॉर्ट्स बनाए, रील्स बना रही थी। एंड मुझे भी चाहिए थे अपने लिए कुछ शॉर्ट्स, सो इसीलिए तो मैं कह रही थी चलो क्यों ना मतलब यहाँ पे ना शॉर्ट्स भी बना लेते हैं जब तक कॉफ़ी रेडी हो जाए। और फिर जो है बीच में ऑर्डर भी देना था, तो इसीलिए फिर वहाँ चली गई थी ऑर्डर देने के लिए, फिर आ गए थे। एंड यहाँ पे जो है ना, तो बस मैं ये बताना चाह रही थी कुछ ज़िंदगी में लाइफ में कुछ ऐसे हादसे भी होते हैं जो उनको लेके साथ में चलना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह पाक की मतलब एक नेमत है, हमें दी हुई ज़िंदगी है। सो उसको बस किसी भी हाल में हमें चलना तो है ना, अगर खुशी हो जाए दुख हो। सो इसी तरह से और जो है फेस करना आना चाहिए, और बस ये नहीं है कि सर पकड़ के बैठ जाना और फिर मतलब यही थिंकिंग रख कर और हम बस पड़े रहें, तो नो ऐसे मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें। चलो तो वेल कॉफ़ी भी कॉफ़ी जो आप पीते देखते हैं, हुए तो मेरी बहुत ही कॉफ़ी आ अच्छी लग चुकी है, रही थी। अब टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा यहाँ पे शुगर जो है ना तो इन्होंने ऐड नहीं करके दी है, तो जाहिर सी बात है सेकंड कप। तो जी काफ़ी टाइम के बाद जो है मेरी कॉफ़ी आ चुकी है, ये देख सकते हैं। एंड ये इनका शुगर है। सो अच्छा जो है ना, ये मेरा हाथ जो है ना यहाँ से जल गया था, बर्न हो गया था जो आप लोगों ने देखा था, और देखिए किस तरह से मेरे साथ जो है ना हुआ है। इवन जो है ना मेरा है फिंगर जो है ना, ये तब पता है कैसे चली थी, क्योंकि ना मेरे जो ड्रेस थी ना उसको मतलब फायर लग गई थी, उसकी वजह से बुझाने के चक्कर में यहाँ से भी जल गई, और ये फिंगर हमेशा मेरी ना ज़्यादा जलती रहती है, ऐसे ही होता है। सो लेट्स जी अच्छा क्या है कि यहाँ पर मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, और अब मैंने सोचा आप लोगों के साथ बातें भी करनी चाहिए।
और आप लोग देखते होंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीक होती जा रही हूँ, पता नहीं क्यों, प्रेगनेंसी में लागू मतलब ज़्यादा जो लोग हैं ना तो वो बहुत मोटे हेल्दी इस टाइप हो जाते हैं। और अभी भी आप लोग मुझे देखते होंगे, मैं इतनी कुछ खास चेंज तो नहीं हुई हूँ। एंड जो है तो फिर मतलब ये था कि पता नहीं क्या लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, मेरी बॉडी का लुक जो है ना, आई थिंक वो इसी तरह से है ना, तो मैं ज़्यादा मोटी नहीं होती, मैं स्टार्टिंग से लेके ना बहुत स्लिम हूँ, मतलब इसी तरह से स्लिम हूँ, ज़्यादा मोटी नहीं होती थी, अगर हुई भी तो नॉर्मल होती थी बस, इससे ज़्यादा नहीं होती मैं। सो एंड उसके अलावा ये था कि मेरा भाई पता नहीं, अच्छा यहाँ पे मेरे लिए एक सरप्राइज था तो मैं भी बहुत ही मतलब एक्साइटेड थी। वेल सो ये था कि मेरे हस्बैंड ने आज मुझे सरप्राइज ये दिया कि मेरे लिए केक लेकर आए, बिकॉज टुडे इज़ माय बर्थडे, सो मुझे याद भी नहीं था इसीलिए। एंड जब घर में केक आ गया तो पता लग गया कि आज मेरा बर्थडे है। सो केक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था, एंड आप लोग देख सकते हैं, थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड। तो बस यहाँ पे एक मतलब छोटी छोटी सी खुशियाँ खुद ही ढूंढनी पड़ती हैं, इसी तरह से ही बस खुश हो के बैठ जाते हैं, ये कुछ लम्हात ऐसे होते हैं आप देख सकते हैं। और मेरी जमा भी माशाल्लाह बहुत ही खुश हो रही थी। एंड जो है अभी रात के 12 हो रहे हैं, सो जैसे ही लाइट आ गई तो हमने केक कटिंग करना स्टार्ट। आप मेरी यूट्यूब फैमिली, आप मेरी फैमिली हो, और जाहिर सी बात है अगर आप मेरे साथ ना हो तो फिर कैसे मैंने एंजॉय किया, कैसे मैं मतलब हैप्पी हो सकती हूँ, खुश हो सकती हूँ। तो बस इसीलिए एक छोटी सी खुशियाँ थी आप लोगों के साथ शेयर की, एंड उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड जो है प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ जितना हो भी मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, एंड अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तो बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।